गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम प्रोटोजोन पैरासाइट्स के ऊपर पहले भी वीडियो किए हैं, उसी में आज हम बात करेंगे एंटामीबा हिस्टोलिटिका की। ये भी एक प्रोटोजोन पैरासाइट है। पहले हमने ट्रिपैनोसोमा किया था, अब सेकंड हमने एंटामीबा हिस्टोलिटिका देख रहे हैं। ये फाइलम प्रोटोजोआ का है, सब फाइलम इसका सार्कोमेस्टिगोफोरा है। ये क्लासिफिकेशन में आपको अच्छे से समझाया हुआ है। क्लास इसकी जो है वो सार्कोडिना है, सब क्लास जो है राइजोपोडिया है, ऑर्डर लोबोसिया, जीनस एंटामीबा और स्पीशीज जो हमारे सिलेबस में है वो हिस्टोलाइटिका है। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका ये एक आंतरिक परजीवी है और एंटामीबा जो हिस्टोलिटिका है या एंटामीबा को जिसने डिस्क्राइब या डिफाइंड किया था वो कासा ग्रांडी और बाबा गैलो ने 1895 में इसके बारे में बताया था। एंटामीबा जो है ये एक चार ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एंटोज मतलब होता है अंदर, एमीबा मतलब होता है परिवर्तन, हिस्टो मतलब होता है उत्तक और लाइसिस होता है विलीन। ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है वो चार ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। तो ये एक रोगजनक परजीवी है और हम इसकी यदि और भी स्पीशीज देखेंगे तो वो हम तो अब हम बात करते हैं इसमें। ये जो एंटामीबा होता है ये हमने बात की चार ग्रीक शब्दों से बना है। इसकी और भी एंटामीबा की डिफरेंट स्पीशीज पाई जाती हैं, जैसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका हमने देखा और ये एंटामीबा कोलाई, एंटामीबा जिंजिवेलिस, एंटामीबा डिस्पार, एंटामीबा हार्टमानी एंड एंटामीबा पॉलिकी। ये भी हम डिफरेंट प्रकार की स्पीशीज़ होती है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका है वो मैन के लिए जो मनुष्य है उसका एक रोगजनक परजीवी है, पैथोजेनिक पैरासाइट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, रोगजनक परजीवी है और अदर वर्टिब्रेट्स में भी ये रोग करता है। मनुष्य में ये आम खून की पैचिश या अमीबीय पैचिश जिसे अमीबिक डायसेंट्री लिखा हुआ है या अमीबोसिस रोग एंटामीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है, जिसमें रोगी के दस्त के साथ आम और रुधिर भी निकलता है। एंटामीबा जो है ये मनुष्य की वृद्ध आंत के ऊपर यानी कोलन के ऊपरी भाग में पाया जाता है और इसमें जो है एंटामीबा जिंजिवेलिस है ये हार्मलेस कमेंसल है, लेकिन लार्ज नंबर में ये माउथ के अंदर उपस्थित रहता है जिनके पुअर ओरल हाइजीन रखते हैं। यदि जो अपने दांतों में ब्रश और रेगुलर हाइजीन या स्वस्थ नहीं रखते हैं उनमें ये बहुत नंबर में पाया जाता है। एंटामीबा जो कोलाई है ये एक सहजीविता दर्शाता है और वृद्ध आंत में ही उपस्थित होता है। एंटामीबा जो हार्टमनी है ये भी नॉन पैथोजेनिक है और ये हिस्टोलिटिका की मार्फोलॉजी के समान है, लेकिन ये स्मॉलर होता है साइज में हिस्टोलिटिका के। ई पॉलिकी है, ये भी नेचुरल अकरिंग पैरासाइट है लेकिन मंकी और पिग्स में पाया जाता है और कभी कभी ये मनुष्य में भी रिपोर्ट किया गया है और इससे भी दस्त लगते हैं, डायरिया की सिचुएशन उत्पन्न होती है। और शॉर्डिन ने 1903 में इसे पैथोजेनिक फॉर्म को नॉन पैथोजेनिक फॉर्म से अलग किया एंटामीबा को। तो ये इस तरह से एंटामीबा की कुछ जातियों के डायग्राम है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका कैसे दिखता है, जिंजिवेलिस जो कि मुंह में रहता है, दांतों के मसूड़ों में रहता है एंटामीबा जिंजिवेलिस। एंटामीबा कॉलन जो है लार्ज इंटेस्टाइन में सहजीविता दर्शाता है। तो ये इस तरह से कुछ एंटामीबा की जो है डायग्राम्स दिखाए हैं पिक्चर में। एंटामीबा की अब हम हिस्ट्री देखते हैं तो एंटामीबा जो है वो अमीबा की तरह ही है और इसने ग्रॉस ने 1849 में टीथ के जो टार्टर होता है, पीला पीला जो टार्टर जमा होता है उसमें उसको देखा और ये एक पैरासाइट है, इसके बारे में बताया। ये इसका नाम जो है वो वॉन प्रोवाजाक ने एंटामीबा जिंजिवेलिस दिया। ये सब कार्य जो हुआ 1904 तक इसका नाम दे दिया गया।
ल्यूस ने जो है एंडमीबा कोलाई को 1870 में देखा, कहाँ देखा, वही कॉलन के बड़ी आंत में, और कुमिंग ने इसको 1871 में, और ग्रासी ने 1878 में भी इसको एक अच्छे स्वस्थ मनुष्य की आंत के अंदर, बड़ी आंत के अंदर इसको, इसकी प्रेजेंस को बताया। एंड अमीबा जो हिस्टोलिटिका है वो डब्ल्यू डी लैम्बी ने 1859 में कॉलोनिक ऑटोप्सी बच्चे की और उसे जो कि 10 से मर गया था उसकी कॉलोनिक ऑटोप्सी की और उसमें बताया और रिपोर्ट किया। फिर जो है फेडर लॉस्चिन ने 1875 में इसकी पैथोजेनिक स्वभाव पर जीवित ये रोगजनक का है स्वभाव एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसका वर्णन किया। और फिर उसने इसको पहली बार इस पैरासाइट को डॉग की रेक्टम में इनाकुलेट किया और इसको उससे उसको डॉग में दस्त की जो क्रिया थी वो डेवलप हो गई, तो उसने उसकी डिस्कवरी की। और ये जो पैरासाइट है ये रोगजनक स्वभाव का है, ये हमने पहले भी बात की, और फिर इसको डॉग में देखने के बाद इसका डिक्लेयर किया गया कि ये एक पैथोजेनिक स्वभाव का है। फिर कैचुलिस ने इसको कंफर्म किया कि ये अमीबा जो है ये कॉजेटिव एजेंट है और अमीबिक डायसेंट्री करता है, और अमीबा जो है वो लीवर में एब्सिस भी कर देता है। फिर डॉबल ने इसकी लाइफ साइकिल के बारे में, इस परजीवी की लाइफ साइकिल के जीवन चक्र के बारे में वर्णन किया, और 1925 में ब्रॉम्प्ट ने भी इसको एंट अमीबा हिस्टोलिटिका डिस्पार, और शॉर्डन ने इसको 1903 में पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक फॉर्म एंट अमीबा की डिफ्रेंशिएट की। तो ये कुछ साइंटिस्ट के हैं चित्र फोटोग्राफ्स हैं वो आप देख सकते हैं। अब ये क्लासिफिकेशन मैंने बताया था आपको, ये प्रोटिस्टा या प्रोटोजोआ, किंगडम फाइलम जो है सार्कोमेस्टिक वगैरह, फाइलम सार्कोडीना, सुपर क्लास राइजोपोडा, क्लास लोबोसा और जीनस एंटमीबा। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें हम एंटमीबा हिस्टोलिटिका की, तो ये दुनिया में सर्वव्यापी है, दुनिया के सभी देशों के मनुष्यों की आंत में पाया जाता है, अर्थात ये विश्वव्यापी परजीवी है। विश्वव्यापी को इंग्लिश में कॉस्मोपॉलिटिन बोला जाता है, परंतु ये उष्णकटिबंधीय देशों में अधिक पाया जाता है जहाँ पे ट्रॉपिकल है। ग्रामीण व सघन शहरों में ये मनुष्य में अधिक पाया जाता है, और जहाँ हाइजीन रखने की आदत नहीं होती है, हाथ धोना और ये सब कुछ, तो इसमें वहाँ पे ये आम बात है, दस्त लगते रहते हैं। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 10% जो है जनसंख्या एमीबियोसिस से पीड़ित है। भारत में भी ये रोग आम पाया जाता है, और आप लोगों ने गाँवों में सुना भी होगा कि दस्त लग गए, आँव हो गई, एमीबियोसिस हो रहा है, पेचिश हो गई, तो ये सब कुछ इसी की वजह से है। अब हम इसका हैबिट एंड हैबिटेट देखें, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो अंत्य परजीवी है। ये मनुष्य की बड़ी आंत में, कॉलन में पाया जाता है। ये आंत में दो प्रकार से रहता है, या तो फ्री लिविंग रहता है या इंटेस्टाइन की वॉल में रहता है। तो आंत गुहा की जो ये जो है एग्जिस्ट, और इसकी दो अवस्थाओं में रहता है, और यदि हम इसमें देखें तो इसके आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये फ्री लिविंग कैसे रहता है, इंटेस्टाइनल में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है या जीवाणु आदि का भक्षण करता है और पक्षी को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता है। लेकिन यदि आंत की दीवार में रहता है तो यहाँ पे ये जो श्लेष्मिका और उपश्लेष्मिका में रहता है, और जो म्यूकोजा और सब म्यूकोजा बोलते हैं उसको, श्लेष्मिका को म्यूकोजा और उपश्लेष्मिका को सब म्यूकोजा में रहता है। आंत की जो म्यूकोजा होती है उसकी कोशिकाओं को लाल रुधिर कणिकाओं का भक्षण करता है और उसको नष्ट करता है, वहाँ छोटे छोटे अल्सर बन जाते हैं, और फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे पैथोजेनेसिटी में, फिर उसमें खून आने लग जाता है और इस तरह से ये फोड़े उत्पन्न करता है। तो अब हम उसके बाद में इसका होस्ट देखें, तो जो है पोषी कौन कौन है, ह्यूमन है, एप्स है और मंकी है, और पिग्स, डॉग्स, कैट्स और रैट्स में भी पाया जाता है। तो
तो ये इस तरह के कुछ इसके पोशी हैं जिसके अंदर ये पाया जाता है। रेजरवायर हम देखें तो ये ह्यूमन और मंकी में पाया जाता है, मनुष्य और बंदरों में पाया जाता है। ए सिम्टोमेटिक ह्यूमन कैरियर एक्ट एज ए रेजरवायर फॉर द स्प्रेड ऑफ एंट अमीबा, ये कई जीवाणुओं की भक्षणों में रहता है, भक्षण करता है, तो वो ए सिम्टोमेटिक अवस्था में रहता है और फिर वहाँ से ये दूसरे मनुष्य और दूसरे एनिमल्स को भी वो कर सकता है, इफेक्ट इन्फेक्ट कर सकता है। अब हम इसकी मार्फोलॉजी देखें, जिसे हम हिंदी में आकार की बोलते हैं, ये संरचना भी कह सकते हो आप। ये एंट अमीबा जो हिस्टोलिटिका है ये तीन अवस्थाओं में ये पाया जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कि जो ये सूक्ष्मदर्शी परजीवी अमीबा है, ये आकार तथा संरचना में बहुत कुछ अमीबा से मिलता है। ये जो इसके रूप पाए जाते हैं, एक तो जो होता है ट्रोफोजॉइट, प्रीसिस्ट और सिस्ट अवस्था। तो प्रीसिस्ट जो जो अमीबा है वो ट्रोफोजॉइट या मैग्ना तथा दूसरा प्रीसिस्ट या माइन्यूटा अवस्था भी कह सकते हैं। ट्रोफोजॉइट जो है अवस्था, इसको मैग्ना अवस्था भी कहते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का ट्रोफोजॉइट जो होता है वो सबसे अधिक सक्रिय जो है सचल आहार ग्राही होता है। यह आंत की दीवार में श्लेष्मा की कोशिकाओं को के मध्य में रहता है, अतः ऊतक में रहने वाले टिश्यू भी कहा जाता है, टिश्यू ड्वेलिंग भी कहते हैं। ये आकार में बड़े होते हैं, इनका यदि हम साइज देखें तो ये 20 माइक्रोन से 25 माइक्रोन तक होता है। ये ऊतक कोशिकाओं आरबीसी तथा जीवाणुओं का भक्षण करता है और तथा द्विविभाजन के द्वारा वृद्धि करता है, और ये रोगजनक भी होते हैं। इनकी शेप, पहले ये अमीबा है तो ये फिक्स नहीं होती है, चेंज करता रहता है और सूडोपोडिया के द्वारा गति करता है। साइटोप्लाज्म देखें तो इनका क्लियर नहीं होता है, डिफरेंशिएटेड इनटू ए क्लियर थिन ट्रांसलूसेंट जो होता है वो एक्टोप्लाज्म पाया जाता है, पारभासी। और जो सेंट्रल फ्लूइड होता है उसको हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। जो ट्रोफोजॉइट होता है वो एनएरोबिक पैरासाइट है, जो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो प्रोटिस्टा जो होते हैं उनकी एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, और इसमें हम जानते भी हैं कि इसके बिना रहा भी नहीं जा सकता, कॉन्ट्रैक्टाइल या संकुचनशील रक्तधानी के बिना। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो अंतः परजीवी है और आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, और इसलिए इसको ऑस्मो रेगुलेट होने की आवश्यकता नहीं है, परासरण नियमन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा इसके टिश्यू का फ्लूड होता है उसमें रहते हैं, और वो ही उनके अंदर बॉडी के जो एंडोप्लाज्म है उसका भी फ्लूड इसके साथ मैच करता है, इसलिए फ्लूड का जो है वो गमन नहीं होता है। न्यूक्लियस जो है वो जो एविडेंट है इसमें कि यही पहचान बताता है न्यूक्लियस कि एंट अमीबा है। न्यूक्लियस जो है वो सफेरिकल शेप में होता है, गोलाकार होता है और 3.5 माइक्रोन के साइज़ का होता है। थिन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, थिन और डेलिकेट इसके चारों तरफ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो सिंगल लेयर होती है, और इसमें क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो एक समान रूप से फैले रहते हैं न्यूक्लियस में। क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे डॉट्स के रूप में पाए जाते हैं, और एक छोटा स्मॉल कॉम्पैक्ट कैरियोसोम या एंडोसोम भी पाया जाता है, और उसके चारों तरफ एक कैरियोसोम के चारों तरफ एक हेलो रिंग बनती है, और कैरियोसोम सेंट्रल में होता है जिसे न्यूक्लियर स्ट्राइएशन या स्पोक लाइंस भी बोलते हैं, जो एंडोसोम के चारों तरफ से निकलती हुई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जाती है। या आप डायग्राम में देख सकते हो, देखो ये कितना फोकस करें तो हम क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हेलो एरिया बन रहा है,
एंडोसोम बीच में रेड कलर में है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये है। तो ये इस तरह से डायग्राम है और ये बीच ये इसकी सूडोपोडिया है, पेलिकल है, फूड वैक्यूल है, न्यूक्लियस, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म। तो ये इस तरह से डायग्राम में हमने देख लिया। अब हम लोकोमोशन देखें तो सूडोपोडिया से करते हैं, ये फिंगर लाइक एक्सटेंशन होती हैं साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट करती हैं। अमीबा में आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। और ये सूडोपोडिया से ये अपने दूसरे स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचते हैं। फूड और फीडिंग की बात करें तो ये जो है साइटो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ये होस्ट की इंटेस्टाइन से लेता है और फैगोसाइटोसिस करता है, जिससे इसमें बहुत सारी वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम देखें तो इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं यदि इसमें ये फैगोट्रॉफिक विधि द्वारा ग्रहण करता है, होलोजॉइक पोषण करता है। इसका प्रमुख भोजन जो होता है लाल रुधिर कणिकाएँ, सफ़ेद रुधिर कणिकाएँ, उपकला कोशिकाएँ व के खंड व जीवाणु होते हैं। भोजन में अंतर्ग्रहण पश सिरे से होता है और पश सिरे पर जीव द्रव्य कला जो होती है वो कोमल होती है। ऐसा माना जाता है कि भोजन के कण जीव द्रव्य कला से चिपक जाते हैं और जो है फैगोसाइटोट्रॉफी के द्वारा ये भोजन के कणों को कोशिका द्रव्य में अंतर्वलित कर लेता है। कोशिका द्रव्य जो भोजन है खाद्य धान्यों में संग्रहित रहता है फूड वैक्यूल में, और ये भोजन का पाचन अंतःकोशिकीय प्रकार का होता है। अब हम देखते हैं श्वसन और श्वसन देखें उत्सर्जन देखें तो ये गैसीय विनिमय और उत्सर्जी पदार्थों का जो शरीर में जो है विसरण विधि द्वारा ये जीव द्रव्य कला से बाहर कर देता है। और परासरण नियमन जो है वो इसमें पूर्णतः अभाव होता है। तो ये इस तरह से इसकी जो है ट्रोफोजोइट अवस्था है। प्रीसिस्ट जो है वो स्मॉलर साइज के होते हैं और इसमें ये जो अपेक्षाकृत छोटे होते हैं गोलाकार होते हैं और अचल होते हैं और नॉन फीडिंग होते हैं। इनका साइज देखें तो 10 से 20 माइक्रोन होता है और ये आंत की गुहा में रहते हैं। इसकी संरचना भी ट्रोफोजोइट के समान ही होती है लेकिन इनमें फूड वैक्यूल का अभाव होता है और इनमें पुटी भवन पाया जाता है, एंसिस्टमेंट कहते हैं। ये पुटी भवन की क्रिया करती हैं। पुटी भवन अवस्था में ये एक पोषक से दूसरे पोषक में पहुंचती है। इन्हें परजीवी की संक्रामक अवस्था भी कहते हैं, ये इन्फेक्टिव स्टेज भी कहा जा सकता है और ये रोगजनक नहीं होते हैं। ये रोगजनक होते हैं सॉरी ये सिस्ट जो है ये तीन अवस्थाओं में मिलती है, इमैच्योर यूनि न्यूक्लियर सिस्ट, बाई न्यूक्लियर सिस्ट और मैच्योर क्वाड्रा न्यूक्लियर सिस्ट। तो ये इस तरह से सिस्ट मिलती है। जो ये ट्रोफोजॉइट जो होता है ये कम्प्लीटली राउंड होता है और ट्रांसपेरेंट रिट्रैक्टाइल मेम्ब्रेन डबल वॉल सिस्ट वॉल पाई जाती है इसके चारों तरफ। और इसका साइज जो होता है 12 से 15 माइक्रोन तक होता है और ये साइटोप्लाज्म भी इसका जो होता है वो क्लियर होता है और हाइलिन होता है, ट्रांसपेरेंट और ग्लासी होता है। और ये एंसिस्ट में ये पैरासाइट जो है में फूड वैक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो जाती है और इसमें बहुत अमाउंट में ग्लाइकोजन मास जो होता है वो उपस्थित होता है और ब्लैक बॉडीज़ भी पाई जाती है जिसे क्रोमेटिडल बॉडीज़ कहते हैं। ये जो क्रोमेटिडल बॉडीज़ होती हैं बड़ी होती हैं, चिकनी होती हैं और अबलोंग रॉड्स होती हैं और राउंडेड एंड्स में पाई जाती हैं। ये भी बहुत सारी संख्या में ज़्यादा होती हैं, इनको क्रोमेटिडल बार भी कहते हैं। और इसमें यदि हम देखें तो क्रोमेटिडल बार या क्रोमेटिडल बॉडीज़ जो होती हैं ये स्टेन में क्रोमेटिन या हेमोस्टाइरिन स्टेन में ये बहुत क्लियर दिखती हैं। ये क्रोमेटिडल बॉडीज़ जो होती है डीएनए रखती है और फास्फेट
और स्टोरेज का और राइबोसोम का भी स्टोरेज होता है इसमें। सिस्ट जब बनती है तो ये यूनिन्यूक्लियेट होती है, और जब सिस्ट डिवाइड होती है तो ये क्वाड्रीन्यूक्लियेट, यानी चार उसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और ये जो क्वाड्रीन्यूक्लियेट सिस्ट होती है ये इन्फेक्टेड अवस्था होती है, और एडिशनल डिवीज़न के द्वारा ये एब्रेंट हो जाती है मोर न्यूक्लियाई में, और न्यूक्लियस जो होते हैं वो ट्रोफोजोइट का निर्माण करते हैं। ये ट्रोफोजोआ स्मॉल साइज के होते हैं, सक्सेसिव माइटोटिक डिवीज़न के कारण ये थोड़े छोटे होते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। ग्लाइकोजन मास जो है वो साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये इस तरह से सिस्ट देख सकते हो आप, क्रोमेटिडल बॉडी, सिस्ट वॉल, और ये ग्लाइकोजन मास, और ये न्यूक्लियस, और ये जो है ये सिस्ट वॉल दिख रही है, न्यूक्लियस दिख रहे हैं डिवाइड हो गए, ग्लाइकोजन मास दिख रहा है, क्रोमेटिडल बॉडी या दिख रही है। तो ये इस तरह से सिस्ट, अब ये क्वाड्री न्यूक्लियेट सिक्स सिस्ट आप देख सकते हो, इसमें चार न्यूक्लियस पाए जाते हैं, क्रोमेटिडल बॉडीज जो है वो विलुप्त हो गई हैं। अब हम इसके जीवन चक्र के बारे में कह रहे हैं, तो ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एक जाति वृत्तीय परजीवी अर्थात एक ही में अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। इसमें एक ही परपोषी में अपना जीवन चक्र पूरा होता है। इसका परपोषी मनुष्य होता है, और ये पुटी या परिकोष्ठन अवस्था में एक परपोषी से दूसरे परपोषी में पहुंचता है। इनमें सिर्फ अलैंगिक जनन होता है। इससे जीवन चक्र में निम्न पदों से अध्ययन करते हैं। तो अब हम